भगवान शिव अपने आप में ही एक राज है और उनकी कहानियां उनकी तरह ही अद्भुत हैं। ऐसी ही एक अद्भुत जगह है शिवखोरी गुफा, जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद भगवान शिव ने इसे बनाया था। जम्मू से करीब 140 किलोमीटर दूर रियासी जिले के पास एक गुफा है जिसको शिवखोरी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव इस गुफा में रह चुके हैं और ये गुफा सीधी अमरनाथ गुफा से जाकर मिलती है, लेकिन इस बात को कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने भी इस गुफा के अंत तक जाने की कोशिश की है वो आज तक वापस नहीं लौटा। ये गुफा करीब 400 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और करीब 2 से 3 मीटर ऊंची है, लेकिन श्रद्धालुओं को सिर्फ 130 मीटर तक ही जाने की इजाजत है। कहते हैं कि द्वापर युग में साधु संत शिवखोरी गुफा से अमरनाथ गुफा जाया करते थे। ये गुफा एक डमरू के आकार की है, दोनों छोरों से चौड़ी और बीच से पतली। इस गुफा में एक शिवलिंग है जो कि कुदरती बनी हुई है। वैसे तो इस पवित्र गुफा में देखने लायक कई चीजें हैं, जैसे कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध जैसा पानी गिरता है जो कि पवित्र गंगा नदी की अनंतता को दर्शाता है। इस गुफा में हिंदू देवी देवताओं की कई कुदरती प्रतिमाएं बनी हुई है। गुफा की छत पे एक विशाल सांप की कुदरती छवि है और इस सांप की छवि से शिवलिंग पर लगातार पानी की एक छोटी धारा गिरती रहती है। इस गुफा के खुले हिस्से में एक 4 फीट ऊंची कुदरती बनी हुई शिवलिंग है और ठीक शिवलिंग के ऊपर एक गाय जैसी रचना बनी हुई है जिसको कामधेनु माना जाता है। शिवलिंग के लेफ्ट साइड में पैरों की एक छाप है जिसको पार्वती जी की छाप कहा जाता है। इसके अलावा गुफा के पहले भाग में यहाँ कार्तिकेय, 5 मुंह वाले गणेश जी, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की छवि भी मौजूद है और दूसरे भाग में महाकाली और महासरस्वती जी मौजूद हैं। अमरनाथ गुफा की तरह यहाँ भी कबूतर हैं जिनको देखना शुभ माना जाता है। और इस गुफा में बाहर जाने की दो और गुफाएं बनी हुई हैं। कहते हैं कि एक गुफा तो सीधे अमरनाथ गुफा की ओर खुलती है, लेकिन इस गुफा को अब बंद कर दिया गया है क्योंकि कई साधु संतों ने इस गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी इसमें गया वो कभी वापस नहीं आ सका। और कहते हैं कि दूसरी गुफा स्वर्ग की ओर खुलती है। इतिहास के मुताबिक करीब 100 साल पहले एक मुस्लिम चरवाहे ने ये ऐतिहासिक गुफा खोजी थी। कहते हैं कि एक बार उस चरवाहे के बकरियों के झुंड में से एक बकरी खो गई और वो चरवाहा अपनी बकरी को ढूंढता हुआ इस गुफा तक पहुंच गया। भगवान शिव की इस अनोखी गुफा का अनुभव उसने बाकी लोगों को बताया, तब से यहाँ लोग शिव की पूजा करने लगे। इस गुफा के बनने के पीछे एक कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार राक्षस भस्मासुर की कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए। जब शिवजी ने उससे कहा कि उसे क्या चाहिए, तो भस्मासुर ने ये वरदान मांगा कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो जलकर भस्म हो जाए। शिवजी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर का इरादा तो शिवजी को ही खत्म करने का था। भगवान शिव और भस्मासुर में युद्ध हुआ और इसी बीच शिवजी ने अपने त्रिशूल से ये गुफा बनाई और उसमें छुप गए। तब विष्णु जी ने एक स्त्री का अवतार लिया और भस्मासुर को मोहने लगे और जैसे तैसे उसका खुद के ही सर पर हाथ रखवाकर उसको भस्म कर दिया। शिवखोरी इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान कुदरती रूप में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। थैंक यू।